हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ तरुण टाले और लगभग दो महीने का ब्रेक लेकर आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस बेसिकली आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की मॉडिफिकेशन बहुत तगड़ी होने वाली है। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप से, बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो। और यस, अगर आपको पूरा भरोसा है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तभी करना अपने बाइक के साथ, अदरवाइज बिल्कुल भी मत ट्राई करना। ओके, सो रिस्की भी काम है थोड़ा, बिकॉज थोड़ा वायरिंग का गिन इशू रहता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ना ही करे तो बेहतर है, बाहर से करवा लेना। सो यस, मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस किया था, DRL कह सकते हैं। अगर आप ये अगर कोई शॉप से लेंगे तो अराउंड 700-800 का मिल जाएगा मेरे हिसाब से। मैंने ये 350 का बुलाया था। क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो लगेंगे जैसे आपने थंबनेल में देखा कि यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके जो बोल्ट है, मैंने फिटर के पास जाकर ऑलरेडी ही निकाल लिए थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, और यस, अपडेट दे देता हूँ कि अब वीडियो वीक में 2 से 3 तक पॉसिबल है, मैं वो डाला करूँगा। फर्स्ट थिंग, रिमूव द सीट, मतलब पिलियन सीट, यहाँ पर रख देता हूँ। और अब यहाँ पर आता है भाई सारा इसका लोचा। तो अभी मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि मैं इसको कनेक्शन कहाँ से दे रहा हूँ। और हाँ, मेन बात, मेरे जो ये हजार्ड से, एक मिनट, ये वाले मुझे ऐसे चाहिए, उसके साथ मुझे ये इसका कनेक्शन नहीं चाहिए DRLs का। तो मैं इसे लूँगा, जो नंबर प्लेट की या की लाइट है, इससे मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन लेने वाला हूँ। और ये जो ब्रेक लाइट है, इसके साथ भी कनेक्शन लेने वाला हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव का। और यस, यहाँ पर एक स्विच भी इंस्टॉल करूँगा कि जब मुझे लगेगा भाई हाँ, मैं तभी इसको चालू करूँगा, अदरवाइज बंद। और यस, इंस्टाग्राम पर हो तो ज़रूर फॉलो कर लेना, तरुण टाले 57, ये मेरी आईडी है। आई होप सो वहाँ का भी कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। एंड यस, ये वाली सीट भी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज वायरिंग अंदर से लानी है ना, सो ये वाली भी सीट खोलनी पड़ेंगी। टाइम स्लैप पर जल्दी हो जाएगा आपके लिए। नाउ ये निकाल ली सीट, तो फिर से एक बार दोनों सीट निकाल ली। पिछली बार हाँ, मैंने वीडियो में नहीं देखा था, इसकी वायरिंग के लिए किया था, हजार्ड की जो रहती है ना, इसके लिए। तो बेसिकली DRL में यहाँ पर लगाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे यहाँ का लुक अच्छा लगता है। वायरिंग हो जाएगी इसके नीचे से, सो भाई स्पेस ही स्पेस है। ओके, और यस, मैंने जो बताया था भाई, इस डॉगी को क्या प्रॉब्लम है यार, किधर गया जाने दो। तो ये जो पैनल है, ये अगर आपके पास ताकत हो तो ज़रूर ट्राई करना, अदरवाइज एक्सपीरियंस बंदे के पास जाकर ही इसको निकाल के लेके आना। तो मैंने इसके जो दोनों बोल्ट्स थे, ये बाहर से निकाल लिए, मतलब मेरे पास है, मैं इसे फिट कर सकता हूँ। ओके, तो जो प्रॉब्लम थी, तो इसके अंदर जो DRLs है वो फिट नहीं हो रहे थे, आगे दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो ये रही अपनी DRL। अब देखो, यह जो गैप है ना, ये चाहिए था अपने को, जो ऐसे तो नहीं मिलता, बिकॉज देखो यहाँ पर ये जाने ही वाला नहीं था। तो अभी ये प्रॉपर बैठ जाएगा, और इस कैमरामैन ना होने की वजह से मुझे ही करना पड़ रहा है। तो आई होप सो आपको समझ गया होगा, मैं अब आपको सीधे करके, मतलब सीधे ही दिखाऊंगा। ओके, मतलब फिट करके उसके बाद वायरिंग का भी दिखाऊंगा कैसे क्या रहता है। A few inches later. तो काफ़ी मुश्किलों के बाद फाइनली स्विच का कनेक्शन अब ले रहा हूँ। See, their wire are coming from there and here. जाने दार, मेरी इंग्लिश वैसे भी वीक है। तो कनेक्शन अब यहाँ पर दूंगा, इन दोनों को मिलाकर। हाँ, वैसे बैठ तो गई है लाइट, इधर से और उधर से दिखाता हूँ। See, कुछ इस टाइप से, रात में इसके लुक बहुत नेक्स्ट लेवल आएगी। सो अभी तो हो गई है भाई शाम, और लगभग रात तो लगेगी। सो गाइज, ये रही अपनी स्विच की केबल,
जो मैं इधर से डालूँगा। और यस, ये मैंने दूसरी वाली ले ली है जो पहले थी, उसको हटाकर जो प्रॉपर यूज़ होती है अपनी कार्स और बाइक्स के लिए, तो वो वायर ही है। तो गाइज, अब है इसका मेन टास्क स्विच का। ओके, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये वाली वायर आपने नहीं निकाली तो आपकी लाइट इंजन, मतलब जब गाड़ी चालू होगी तब अपनी लाइट चालू हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे जब लाइट लगानी मैं तभी लगाऊँ, तो इसके लिए आपको ऑन ऑफ का एक स्विच देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कनेक्शन रहते हैं लाइट के, यहाँ से देखो मैंने ऊपर ले लिए, तो एक वायर को ना कट करना बीच में से, तो उसके ऐसे दो साइड से निकाल लेना जैसे मैंने इधर के साइड किया है, सेम एज इट इज़। तो नेगेटिव का जो पॉइंट है ना एक वायर का, सपोज ये नेगेटिव और इधर का भी नेगेटिव, इसको एक के साथ जॉइन करने का, तो मैं आपको बताऊंगा आगे या फिर टाइम स्लैप पे देख लेना। 5 minutes later. So guys, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसका जो फ्यूज है ये उड़ जा रहा है, बिकॉज एक ही कनेक्शन में, मतलब दोनों का कनेक्शन एक को दे रहा हूँ स्विच को, तो ये लोड नहीं सहन कर पा रहा। तो अभी मैंने जस्ट ये जो अपना सप्लीमेंट्री फ्यूज रहते ये लगाया, मतलब ये वाला, और देखो ये टूट गया। तो मेरे हिसाब से ना भाई, जो DRLs रहते कंपनी फिटेड, जैसे कि आप गाड़ी चालू करो वो एज इट इज़ वैसे शुरू रहेंगे, तो मुझे भी लगता है कि ये वैसे ही रहने वाले। मुझे ऐसे चाहिए था कि देखो मेरी सबसे जब मुझे चाहिए तभी मैं इसको चालू करूँगा, अदरवाइज बंद, लेकिन लगता है अब इसको चालू ही रहना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन है। बिकॉज देखो इधर का स्विच सिर्फ एक के साइड, मतलब ये जो स्विच है सिर्फ एक साइड के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे साइड के लिए ऑप्शन ही नहीं है, उसके लिए हमें दूसरा भी स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन इधर जगह ही नहीं है। तो देखते हैं कुछ हल निकलता है कि नहीं, अदरवाइज जाने देते, इसको कैंसिल करते इस स्विच को। ओके, मच लेटर। आफ्टर 1 आवर अंधेरा हो गया, देखो यार। तो इसकी वायरिंग तो कर ली, लेकिन ये स्विच का जुगाड़ नहीं हो पाया, मतलब ये चालू ही रहेगा। सिंपल है, स्विच का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि जो स्विच की वायरिंग है वो जब हम करते हैं तो इसका फ्यूज़ उड़ जाता है। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी पड़ गई है, तो अगर ऐसे देखो तो ऐसे चालू हो जाती, देखो सी कुछ इस टाइप से, इधर के साइड भी सेम वही, देखे ना, तो लाइट सिर्फ चालू रहेगी कंटिन्यूसली 24/7, मतलब गाड़ी चालू रहेगी तब तक, जैसे कि ये देखो मैं गाड़ी चालू करूँगा। इस टाइप से तो इसको हम बंद नहीं कर सकते। ओके, तो जिनको ये अच्छा लगता है उनके लिए तो सही है, क्योंकि वायरिंग का कोई भी झंझट ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपको जो इस DRL की वायर और इस DRL की जो वायर है इनको सेम कर कर, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो ये रही उधर से आई हुई और ये रही इधर की साइड, मतलब लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, तो इनका कनेक्शन करना है हमें इस रेड वाली से। ओके, 8 मिनट। तो अभी तो मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन देखो ये जो दिख रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेड वाली को रेड के साथ कनेक्ट करना और ब्लैक को ब्लैक के साथ, तो ईजिली आपकी DRL कुछ इस टाइप से जल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बात रही इसके स्विच को लेकर, तो जल्दी से जल्दी कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसी तो DRL नहीं चाहिए, मतलब जो कंटिन्यू चालू रहे, तो ना वो मैं नहीं करने वाला, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। होप्स उसकी भी अपडेट जल्दी मैं आपको दे दूंगा। और देखो ये रेड जो वायर है इनको एक साथ ज्वाइन करना रेड के साथ। ओके, और जो ब्लैक है, जो ब्लैक वाली वायर है उनका कनेक्शन करना ब्लैक वाले के साथ, तो आराम से हो जाएगा। जो ये वाली है अपनी नंबर प्लेट की लाइट, उसके साथ ही कनेक्शन किया है, ये उसकी कपलर है, ये उस वाली की कपलर है, तो ईजी है। दैट्स गुड,
एंड इनफ। ओके यार, बहुत देर हो गया यार इस वायरिंग को करते हुए। अगर गाइज आपको इसकी वायरिंग समझ में नहीं आई तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, बिकॉज वीडियो में उतना प्रॉपर मैं नहीं बता पाया, इसके लिए सॉरी। तो इसका एक ही आपको मैं डिसएडवांटेजेस बताऊंगा कि जो ये वाली लाइट है ये कंटिन्यू चालू रहेगी, जब भी आपकी गाड़ी चालू रहेगी तब, मतलब इंजन स्टार्ट रहेगा तब। तो बैटरी तो वैसे कोई कम नहीं होगी, बिकॉज रनिंग में इसकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, तो उसका कोई इश्यू नहीं। सिर्फ इसका इश्यू तब है जब आपको ये नहीं चाहिए और ये फिर भी चालू है, तो थोड़ा सा वेट लगेगा, इसके लिए और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए बने रहना, या फिर सिंपली भाई मैं कहूँगा इसको परचेस कीजिए और किसी मैकेनिक के पास जाकर कीजिए। घर में मैं ट्राई करने की उतनी सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज वायरिंग का इशू हो जाता है यार थोड़ा, तो समझ लेना, क्योंकि स्विच का कनेक्शन मैं दे नहीं पाया। देखो ये ऑफ है, ऑन कर दो, ऑन ऑफ कर रहा हूँ तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वैसे मैंने इसका कनेक्शन ही निकल दिया, तो क्या ही पड़ेगा। तो बस ये कहना था गाइस, करना है तो सीधे मैकेनिक के पास जाके करो, घर में ट्राई मत करना। अब इसको मैं मेरे हिसाब से करूँगा, क्योंकि वायरिंग पूरी मैंने की है, तो स्विच का भी जुगाड़ कर ही लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वैसे तो बहुत लोगों को नहीं लगी होगी, डिसलाइक कर देना कोई बात नहीं। तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके, ताकि आपको ब्लॉगिंग और बाकी की बाइक्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और मेरे बाइक के मॉडिफिकेशन की भी। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो तब तक के लिए गाइज टेक केयर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।